प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना कर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की आरती कर वैश्विक कल्याण का भी संकल्प लिया। इसी बीच तीर्थ पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच पूरा कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने त्रिवेणी में अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प और वस्त्र भी अर्पित किए। इससे पूर्व पीएम मोदी ने प्रमुख साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां खड़े होकर त्रिवेणी का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल ने अक्षत, चंदन, रोली और पुष्प माला के साथ ही त्रिवेणी में वस्त्र भी अर्पित किए। इसके बाद पीएम ने संगम आरती भी की। अंत में पीएम ने विशेष रूप से सजाए गए प्रांगण में फोटोशूट भी कराया। आपको बता दें कि अवसर पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं।